रास्ते में धोखा हो रहा है, रास्ते में आने के लिए बहुत प्रॉब्लम रहना पड़ रहा है। 10 घंटा तो एक ही जगह पे रोक के रख दिए सर। औरैया हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि प्रवासी मजदूर ट्रकों में अपने घर वापस न लौटे, क्योंकि जिस तरह से वे ट्रकों में भर भर के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगा रहे हैं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों में कई एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें ट्रकों में भरकर प्रवासी मजदूर जा रहे थे। हम इस वक्त कानपुर में मौजूद हैं और ये रास्ता लखनऊ की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रकों में किस तरह से प्रवासी मजदूर जो है वे भर भर कर जा रहे हैं और पुलिस द्वारा किसी भी तरह से इनको रोकने का काम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि जो प्रवासी मजदूर ट्रक में जा रहे हैं उनको उतारा जाए, उनके लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जाए आगे जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही साथ अगर हम आपको दिखाएं तो काफी लंबा जाम भी यहाँ पर लगा हुआ है। लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से यहाँ पर वाहनों का आवागमन चल रहा है, कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है लॉकडाउन का, किस तरह से आप देख सकते हैं चाहे वो लोडर हो ट्रक हो उसमें भर के प्रवासी मजदूर भारी संख्या में यहाँ से निकल रहे हैं। और नीचे का भी हाल दिखाएं, साफ तौर पर यह कहा गया था कि मजदूर श्रमिक पैदल भी ना चले, उनको रोका जाए और उनके लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्था कराई जाए, साथ ही साथ उनको खाना भी दिया जाए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मजदूर पैदल भी जा रहे हैं, अपना सामान सर पर लादे हुए हैं, तो श्रमिकों को काफी समस्या हो रही है। और यह हादसे के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाते हुए 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया था और सीनियर अफसरों से पूरे मामले को लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रक बराबर निकल रहे हैं और एक और गाड़ी में आप देख सकते हैं लोडर में कि महाराष्ट्र से ये लोडर आया है और इसमें भी प्रवासी मजदूर जहाँ से जा रहे हैं यहाँ पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है। कोई भी ट्रक वाले का चालान या लोडर वाले जो प्रवासी मजदूर को ले जा रहे हैं उनका चालान भी नहीं किया गया है। हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि कहाँ से आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। मुंबई से आ रहे हैं। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आ रहे हैं। कितना पैसा दिया आपने आने का? पैसा नहीं दिया सर, हम लोग पर्सनल गाड़ी करके आ रहे हैं। सरकार की क्यों गलती है भैया? हाँ, कि रहने में रास्ते में धोखा हो रहा है, रास्ते में आने के लिए बहुत प्रॉब्लम रहना पड़ रहा है। 10 घंटा तो एक ही जगह पे रोक के रख दिए सर। अरे भैया सरकार की गलती है, ट्रेन चलाता है चोरी चोरी चलाते हैं, बताते ही नहीं, मालूम नहीं चलता, बताओ क्या करें। चोरी चोरी चलाते हम लोग, कैसे ट्रेन चला ही नहीं तो क्या ट्रेन कहाँ चलता है? ट्रेन जाने के बाद मालूम पड़ता है। हम लोग भी प्रवासी मजदूरों का साफ तौर पर कहना है कि इन्हें ट्रेन नहीं मिल पा रही है, इसलिए मजबूरन इन्हें इन लोडरों में ट्रकों में आना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं औरैया हादसे के बाद भी जो सरकार है, जो प्रशासन है, वह किसी भी तरह की कोई सख्ती नहीं दिखा रहा है। लगातार आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे भी कि किस तरह से लोडरों में ट्रकों में भर के जो श्रमिक हैं वह यहाँ से निकल रहे हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? नंदलाल मोरे। कहाँ से आ रहे हैं? डोंबोली। डोंबोली, कल्याण डोंबोली। ये बताइए कि कितना पैसा लिया आपने इन श्रमिकों से? किससे? ये सब अपने कारखाने के। कारखाने के अपने, आपके कारखाने के। लेकिन ये बताइए कि आपको रोका नहीं गया कहीं? नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं रोका, कहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे आने दिया गया, क्योंकि काफी लोग हैं इसमें, आपका लोडर पूरी तरह से। नहीं नहीं, कोई नहीं रोका हम लोग को, कोई नहीं रोका। नहीं नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लोडर में काफी लोग हैं, ये भी महाराष्ट्र से आ रहे हैं, काफी सामान भी इसमें लदा हुआ है। लेकिन साफ तौर पर जो चालक के बगल में व्यक्ति बैठे हैं उनका कहना है कि किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, आराम से वे यहाँ तक आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के आदेश को का पालन सख्ती से नहीं किया जा रहा है। लगातार जो श्रमिक हैं वे ट्रकों में लोडरों में भरकर उत्तर प्रदेश में दाखिल हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि बड़े शहरों की तरफ वो आराम से जा रहे हैं और किसी भी तरह की कोई व्यवस्था प्रशासन द्वारा इनको रोकने की, इनके लिए इंतजाम कराने की यहाँ पर नहीं की गई है। कानपुर में कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ नीलांशु शुक्ला।